तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में सबसे बड़े पद के लिए चुनाव है, लेकिन कांटे की जो टक्कर है उसे पूरी दुनिया इस वक्त दिल थाम कर देख रही है कि आखिर वहां क्या होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले चलते हैं सीधे गीता मोहन के पास। गीता, देखिए जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर 6 वोट्स दूर दिखाई दे रहे हैं जो बाइडेन व्हाइट हाउस की रेस से, कहां से ये वोट्स उनको मिल पाएंगे? अगर आप स्टेट्स की बात करें तो कुछ बहुत ही क्रूशल स्टेट्स हैं जिसमें ट्रंप को जीतना बहुत ही जरूरी है। पेंसिल्वेनिया उनको लेना बहुत ही जरूरी है अगर उन्हें व्हाइट हाउस में वापस आना है। मिशिगन में भी अभी पहले कह रहे थे कि कॉल कर दिया है, अब कह रहे हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए थोड़े वोट्स पड़ रहे हैं या गिनती में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एरिजोना जो हमेशा रिपब्लिकन रहा है, इस बारी कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर एरिजोना को बचा पाए तो उनके लिए व्हाइट हाउस में पहुंचना आसान हो जाएगा, लेकिन ऑप्शंस उनके लिए कम है। उनके लिए ऑप्शंस इसलिए कम है क्योंकि उन्हें ये सारे स्टेट्स जीतने होंगे कि ताकि वो व्हाइट हाउस जा सके, लेकिन बाइडेन के लिए काफी सारे रास्ते हैं। बाइडेन को अगर एरिजोना और नेवाडा जीत जाते हैं तो भी व्हाइट हाउस जाएंगे, अगर वो पेंसिल्वेनिया नेवाडा जीत जाते हैं तो भी व्हाइट हाउस जाएंगे। उनके उनके परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस ज्यादा हैं, इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि टिल्ट बाइडेन के तरफ है, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं माना है और पहले से ही बता के रखा है कि जो मेल इन बैलेट्स हैं, जो अर्ली वोटिंग है, उसमें बहुत सारे चीटिंग के केसेस हो सकते हैं, तो कोर्ट में मामला जा सकता है कुछ स्टेट्स में, और देखना ये होगा तब कि कब तक ये कोर्ट का मामला सुलझेगा और साफ तरीके से पता चलेगा कौन व्हाइट हाउस जा रहा है। अगीता, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना। देखिए, हिंदुस्तान में भी बीते कुछ जो चुनाव हुए हैं और खासतौर पर विपक्ष के लिए, जिस पार्टी के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आए उसने ईवीएम पर तमाम आरोप लगा दिए थे, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसी ही एक तस्वीर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, बड़े देश, सुपर पावर अमेरिका में भी दिखाई दे सकती है, जहां पर खुद ट्रंप ये कह रहे हैं, जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट है, कि धांधलेबाजी हो रही है, धोखाधड़ी, फ्रॉड हो रहा है चुनावों में। पुनीत जी, ये जो आरोप प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से लगाए गए, उन्होंने ट्विटर पे भी जब कई अपने मैसेजेस लिखे, उन्हें मिसलीडिंग ट्वीट बताया है ट्विटर ने भी, मैसेज क्या जा रहा है अमेरिकी जनता मैसेज ये जा भी देखें आप, ये जो सोशलिज्म जो क्रीप कर रही है थैंक्स टू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन, ये बिल्कुल धांधलेबाजी हो रही है। आप जरा देखें, पहले होता था कि जो लॉ था कि बाय फ्राइडे ऑफ द डे बिफोर द इलेक्शन बाय 5 PM all the mail-in ballots should be there in possession so that on the election day, which is Tuesday, hum sare unko gin sake, or you can come up with a number, a precise number, so that we have a clear winner of president. Then Pennsylvania extended from 5 p.m. to 8 p.m. on the day of the election on Tuesday. Chalo bhi, wo bhi maan liya humne. By 8 p.m. so that all the ballots which have come in by 8 p.m. will be counted, and again we'll have a clear winner by that evening. But Pennsylvania is controlled by Democrats, plus jo wahan ke judges hain wo sare, they are basically elected and they are also all Democratic judges. To inhone kya kiya ki ab using the in spring 2020 they changed the law and they further expanded the law in where ki aap इलेक्शन खत्म हो गया 3 तारीख को, बट 4 से लेके नवंबर 6 तक फ्रॉम 8 PM टू 5 PM वी कैन रिसीव मेल इन बैलेट्स। अरे साहब, जब सबने वोट कर दिया है और एक तरह से डिसीजन आ गया है, तो ये मेल इन बैलेट कहां से आ रहे हैं? और उसके बाद मेल इन बैलेट्स के ऊपर जो पोस्टमार्क नहीं है, जो सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो सकते, और सडनली यू विल बी हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ मेल इन बैलेट्स विच आर बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड। अब आपको पता है डेमोक्रेट्स जो उनका बेस है, इट्स बिग गवर्नमेंट। नहीं, ये पॉइंट आपने दिया, ये पॉइंट आप पहले उठा चुके हैं, ये पॉइंट सुनीत जी आप पहले उठा चुके हैं। देखिए, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, जो जल्दबाजी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिखाई है अपना स्टेटमेंट देने के लिए कि हम बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी में है, हम सब जगह जीत रहे हैं, कोई हमारे नजदीक तक नहीं है, तो फिर इस जल्दबाजी की क्यों जरूरत थी? पूरा इंतजार आखिरी वोट की काउंटिंग तक क्यों नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था और होना चाहिए था, बट द फैक्ट इज कि जब हमारी वेव चल रही है और हमें नजर आ रहा है कि हम जीत रहे हैं, और इमीडिएटली आपने, जब आपको लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीत रहे हैं, और आपने काउंटिंग स्टॉप कर दी,
तो आपको लगेगा कि नहीं धांधलीबाजी हो रही कि नहीं हो रही है, क्योंकि उनको लगा ये तो लूज कर रहे हैं। और ये जब फ्रॉम द टाइम हिलरी क्लिंटन लॉस्ट टू प्रेसिडेंट ट्रंप, ये तब से डेमोक्रेट एक तरह से एक ग्रीवेंस पाल के बैठे हुए हैं कि भी प्रेसिडेंट ट्रंप ये प्रेसिडेंट कैसे बन गए।